तो आज मैं सारे कोरियन प्रोडक्ट को इंडियन प्रोडक्ट से कंपेयर करूंगी एंड आपको बताऊंगी कि कोरियन प्रोडक्ट सिर्फ महंगे ही होते हैं या उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये है स्नेल सोल्यूशन एंड इसका पूरा नाम है स्नेल सोल्यूशन इमर्शन। अब हमने देखा तो बहुत बार है कि यहाँ पे इधर स्नेल उधर स्नेल, हर प्रोडक्ट में कोरिया के स्नेल ही स्नेल होता है। इससे होता क्या है एंड कोरियंस ये यूज क्यों करते हैं? तो ये बेसिकली होती है स्नेल की सूसू। मजाक कर रही हूँ। स्नेल्स को यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है, आपको पता है, एंड जो स्नेल के पीछे का लिक्विड होता है इसके अंदर होता है एंड ऐसा कहा जाता है कि वो स्किन को मॉइस्चराइज करने एंड आपको यंग दिखाने के काम आता है। तो आप इसमें देखोगे इसमें लिखा भी हुआ है ब्राइटनिंग एंड रिंकल इंप्रूवमेंट के लिए होता है। समझ रहे हो? इसको लगाते जवानी आ जाएगी आपके अंदर, बिल्कुल यू फर्राटे से। तो अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अंदर से दिखता कैसा है। तो बाहर से तो बोतल इतनी सुंदर एंड कांच की है, बट इसको अंदर से देखे तो फिर एक पंप है। इसको अगर मैं अपने हाथ पे लगाऊं तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा सकती हूँ, व्हाइट कलर का है एंड व्हाइट कलर के टेक्सचर को अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ओ बहुत स्मूथ टेक्सचर एंड हाइड्रेटिंग है। तो मैं कहूँगी स्किन हाइड्रेशन के बहुत अच्छी चीज है। बट अब मुझे ये जानना है कि ये आपको अगर खरीदना होगा तो ये इंडिया में किस प्राइस पे मिलेगा। ओ माय गॉड, 4300 रुपीज का मिल रहा है। मुझे तो ये 50% डिस्काउंट पे मिला था, बट ये बहुत महंगी चीज है एंड मैं आपको इसी वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो आप अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हो, वो भी इंडिया से। तो ये है एक हेयर ट्रीटमेंट सोल्यूशन जिसको कोरिया में 2021 में ब्यूटी अवार्ड मिला था। तो मैं 2024 की गारंटी आपको नहीं दे सकती, लेकिन अगर उसका रैपर बता दें तो इसका नाम है मोरिमो हेयर ट्रीटमेंट। सुरक्षित काले मेरे बाल, मोरिमो ने किया कमाल। तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैमेज है तो। एंड बेसिकली ये कंडीशनर ही है जो हम शैम्पू करने के बाद यूज कर सकते हैं एंड इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसको हम हफ्ते में 2 बार यूज करना है। एंड अगर आपको ना पता हो तो कोरियंस यहाँ पे रोज शैम्पू लगाते हैं, तो उनके लिए ऐसी चीजें हफ्ते में 2 बार करना इज वेरी नॉर्मल एंड वो लोग कंडीशनर रोज ही लगाया करते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं इसकी स्मेल की बात करूँ तो स्मेल काफ़ी नॉर्मल सी और सटल सी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो मैं आपको यूज़ ही करके दिखा देती हूँ इसको कैसे यूज़ करना। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा महंगा है, मतलब 2200 रुपए का है कोरिया में, समझ रहे हो। बट मुझे ना 50% ऑफ पे मिला था इसलिए मैंने ले लिया था। लेकिन आप यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जो आप अफोर्डेबल प्राइस में वहीं पे बैठे बैठे ले सकते हो। तो जस्ट हैव पेशेंस। ये है एक प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे देखा था एंड मैंने यहाँ के अलावा कहीं नहीं देखा है, जो है ये एक पफ एंड इसको लगाने के बाद टकलेपन तो आप भूल ही जाओ। एंड ये मैंने लिया था, ये देखो 1000 वॉन का, मतलब 65 रुपीज का। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखो। तो इसके अंदर क्लिप दी हुई है, दिख रही है आपको। तो मेरे हिसाब से इसको ऐसे लगाते हैं कि आपने थोड़े से बाल लिए एंड इसको नीचे लगाया एंड क्लिप बंद किया ऊपर से। तो अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखो तो यहाँ पे आपको फूला फूला दिखेगा, दिखा? तो ये आपके सिर के बाल फुलाने के काम आता है विदाउट बाली। मैजिकल चीज़ है, इसीलिए मैंने ली थी, बुढ़ापे में बहुत काम आएगी, है कि नहीं। अब ये आता है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है विटामिन सी। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ सिर्फ इसकी पैकेजिंग की वजह से, बताऊँ क्यों। ये देखो यहाँ पे एक एरो बना है कि अगर मैंने यहाँ से इसको पुल किया तो ये पूरा का पूरा पैकेट खुल जाएगा। करके दिखाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा सैटिस्फाइंग फीलिंग तो हो ही नहीं सकती है। बॉटल देखिए आप। तो ये विटामिन सी सीरम है, ठीक, ये देखो लिखा है। एंड ये लिखा हुआ है कि जेजू में जो ऑरेंजेस होते हैं उनको यूज करके बना है। बट इसका आपको पता है प्राइस कितना है? गैस करो, आप गैस करो, मैं बता रही हूँ। इसका प्राइस है 2000 रुपए। मतलब मेरे हिसाब से ना कोरिया को 2000 के नीचे कोई चीज दिखती ही नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। एंड इसका प्राइस इतना ज्यादा महंगा था बट वो थोड़ा सा ऑफ पे था, इसलिए मैंने लिया आपको दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ विटामिन सी सीरम ज्यादा सस्ते में मिलता है। एंड मैं आपको आगे चल के सही वाला प्रोडक्ट बताऊंगी। बट ये इतना बुरा नहीं है, बट अच्छा भी है क्योंकि इसका कलर बहुत सुंदर है एंड ये इन्होंने यहाँ पे पंप दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे करो, अरे आ ही नहीं रहा है, आ गया। तो ये ट्रांसपेरेंट सा है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर आप देख रहे हो, थोड़ा सा इसका टेक्सचर जेली जैसा है एंड ये बहुत ही स्मूथ है। ओ बहुत अच्छी स्मेल है, ऐसा लग रहा है किसी ने ऑरेंज वाला परफ्यूम लगा लिया हो कसम से। बट इतनी महंगी चीज़ है, टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताती हूँ लेमन वाली चीज़ करती क्या है। इसमें ना विटामिन सी होता है और नेनासामाइड होता है, जो कि आपके दानों के बाद जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, ये उसके काम आता है। तो यहाँ पे लोग विटामिन सी सनस्क्रीन के पहले हमेशा प्रेफर करते हैं, आपको भी लगानी चाहिए अगर आपकी एज 21 के ऊपर है तो। तो आप इतनी देर से सोच रहे होगे कि ये दीदी इतनी देर से इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों बता रही हैं। भाई ना वो प्रोडक्ट्स इंडिया में ऑर्डर कर सकते हो, ना ही वो अफोर्डेबल प्राइस पे। बट ये एक ब्रांड है जो कि कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में प्रोवाइड कराती है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस पे। एंड ये है राइस क्राफ्ट। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स में राइस एक्सट्रैक्ट यूज ही हुआ। इतने के ड्रामा देख के हमें ये तो पता है कि राइस हमारी स्किन को कितने अच्छे से हाइड्रेट करता है कि नहीं। एंड वो चीज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, 2 से 4 हजार की नहीं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ये इनका फेस टोनर एंड फेस वॉश है जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरे में बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें आप पूछते रहते हो कि दीदी मैं 13 साल की हूँ, दीदी मैं 14 साल की, मैं कौन सा फेस वॉश यूज करूँ, मैं कौन सा फेस टोनर यूज करूँ मेरी नेचुरल स्किन के लिए, जिससे कि मेरी स्किन पे कोई हार्म ना हो। तो ये एक ब्रांड है जिसके आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो एंड आप चेकआउट भी कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड मैं इस ब्रांड को पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ एंड ये मेरी 4th या 5th बॉटल है, मुझे याद भी नहीं कौन से नंबर। एंड ये उसका फेस टोनर है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इनके ब्रांड में फेस टोनर भी रहता है, फेस वॉश भी रहता है, एक बहुत ही अच्छी सी आई क्रीम रहती है जो कि डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छी है। एंड ये लोग अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एंड मैंने इनके हर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है जिनका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। आपको ये बात पता है कि ये एक इकलौती ब्रांड है जो कि कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कोरियन प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पे देती है। तो मैं आपको ये आई क्रीम यूज करके बताती हूँ। एंड ये आई क्रीम पूरे के पूरे नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है। इसमें बस थोड़ा सा अमाउंट लो और इसको आंख के नीचे हल्का सा लगा लो, बस इतना ही सा। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, फिर आप यूज करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो इनकी वेबसाइट पे एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है जिसमें आप किसी भी कॉम्बो को अगर ऑर्डर करोगे तो आपको ऑटो स्क्रब फ्री मिलेगा। एंड मेरा फेवरेट कॉम्बो इसमें से ये वाला है जो है इंस्टेंट फ्रेशनेस कॉम्बो। तो मुझे इसका टोनर भी बहुत पसंद है एंड फेस वॉश भी बहुत पसंद है। तो आप ये ऑर्डर करके बताना कि आपको कैसा लगता है। तो इनकी ब्रांड का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज्यादा नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। टोनर में राइस एंड रोज है, आई क्रीम में लैवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सारे के सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट है जो आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल भगा ही देंगे। फिर इनका फेस वॉश भी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट एंड बहुत ही क्यूट है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं फेस पैक की बात करूँ तो इसमें तो इन्होंने डुअल ऑफर दे रखा है जो आपका स्क्रब और फेस पैक दोनों का काम करेगा। तो आप ये सारी चीजें मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, जो आपको सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा एंड आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गिनसेंग एक्सट्रैक्ट टोनर। एंड अगर आप इसका प्राइस देखो तो मैंने इसको लिया था 5000 वॉन में, मतलब 300 रुपए के आसपास। बट अगर आप इसका प्राइस देखो ऑनलाइन तो आपको पता ही आपको कितने का मिलेगा, 1980 रुपए का। मतलब आप प्राइस डिफरेंस देख रहे हो। तो मैं सारे प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में लेती हूँ, लेकिन उसी को अगर आप इंडिया से परचेज करोगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब मैं ये प्रोडक्ट आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसके अंदर ये बॉटल है। आपने घिनसेंग बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यहाँ पे लोग एक एज के बाद लोगों को घिनसेंग टाइप का एक सिरप पीने को देते हैं या फिर स्किन पे लगाने के लिए देते हैं। तो यहाँ के जो घिनसेंग रूट्स होते हैं ये स्किन को यंग रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये टोनर है जो आपको स्किन पे सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपको मेरी स्किन वाली वीडियो याद हो तो सबसे पहले हम स्किन पे टोनर लगाते हैं। एंड अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको तो ये अभी तो पैक्ड है क्योंकि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसकी स्मेल बहुत ही न्यूट्रल है, मतलब स्मेल ही नहीं है सच बोलो तो। ओ वाव, मुझे लग रहा है मेरा एक हाथ बहुत ही यंग हो जाएगा और एक हाथ बुढ़ा ही रह जाएगा, बट ये बहुत अच्छा है। मैं इसको अब यूज़ करूँगी रोज़ पक्का। एंड ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बॉडी पीलिंग के लिए यूज होता है। अरे भाई, आपके बॉडी की ऊपर वाली स्किन नहीं हटानी है जिससे कि अंदर की अंतड़ियां दिखे, ये बस बाहर वाली जो डेड स्किन होती है वो हटाने के काम आता है। तो अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है, तो मैं इसको पहले रिमूव करती हूँ। एंड इसमें ये लिखा है कि इसको स्प्रे करने के बाद आपको थोड़ी देर रब करते रहना है। रब करते करते ये स्किन के ऊपर की डेड स्किन ही हटा देगा। तो कितनी मैजिकल चीज है, इसको देखते हैं। ओ, इसकी तो काफी पीची पीची स्मेल है। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। वाव, आपको ये दिख रहा है? ये स्प्रे बॉटल से ही निकला था शायद, कि इसने मेरी स्किन सही में हटा दिया। तो ये मैंने लिया था नेचर रिपब्लिक से। तो ये एक प्रोडक्ट है जो आपकी डेड स्किन को हटा देता है रब करते करते। एंड ये अब बहुत ज्यादा मेरा हाथ चिपचिपा रहा है, तो मैं धो के आती हूँ। मैं डाइसो गई थी एंड वहाँ पे मुझे बहुत ही क्यूट पॉकेट परफ्यूम्स मिले थे। एंड अगर आप इसका नाम देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जूसी कैंडी। इसका नाम है रोमांटिक ब्लॉसम, मतलब इसको सूंघते ही आपको चेरी ब्लॉसम की तो बिल्कुल याद सी आ जाएगी। तो इसको खोल के देखते हैं कि स्मेल कैसा करता है। तो ये है इसकी क्यूट सी बॉटल, बहुत ही क्यूट है। ओ ज़्यादा ही स्प्रे कर दिया शायद मैंने। काफ़ी अच्छी स्मेल है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फूल एकदम से आ गए, काफ़ी रिफ्रेशिंग। मैं आपको ये जो ब्लॉसम वाला परफ्यूम है इसका एक सीक्रेट बताऊँ, मुझे ना इसकी स्मेल वैसी आ रही है जब मैं 9th क्लास में थी और एक टेम्पटेशन करके पिंक कलर का परफ्यूम आता था, सेम वैसी स्मेल है इसकी, डिटो। अब ये है दूसरा परफ्यूम जूसी कैंडी, तो अब हम जूसी कैंडी को स्प्रे करके देखते हैं। यार एक बार और डालना पड़ेगा। काफी मीठी मीठी स्मेल है इसकी, सही है, बट मुझे ब्लॉसम वाला ज्यादा अच्छा लगा। ये है मेरा दूसरा प्रोडक्ट जो है एक स्टार शेप की हेयर क्लिप। ये मैंने डॉन द मून मार्केट से ली थी जो कि यहाँ का सरोजनी है। एंड इसकी आप ब्रांड देखो तो इसमें देखो लिखा है NYU, तो ये यहाँ की एक ब्रांड है जिसमें बहुत ही सारा छोटा छोटा अच्छा अच्छा सामान मिलता है। ये मैंने वहीं से लिया था। मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी 65 रुपीज़ की सबसे महंगी हेयर क्लिप। ये है एक और हेयर क्लिप जो मैंने जेजू से ली थी, तो इसमें देखो जेजू के ऑरेंजेस बने हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी। एंड मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। एंड ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, ये थी 2000 वॉन की। तो अब आप मुझे बताओ 2000 वॉन कितना होता है। ये देखो कितनी क्यूट है ना। ये है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्राइस के हिसाब से भी एंड देखने में भी। तो ये है वो एक क्लचर, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर है ये। एंड ये मैंने लिया था 3000 वॉन का एंड मैंने ये डॉन द मून मार्केट से ही लिया था। तो आप बताओ ये 3000 वॉन के हिसाब से कितना ज़्यादा सुंदर है ना, बहुत अच्छा है। तो जब ना मेरी इसमें वाइट कलर के गाउन में अगर कभी शादी वादी होगी तो मैं इसी को लगाऊंगी। अच्छा लग रहा है ना, कितने सुंदर पैटर्न बने हुए, इसमें देखो मोती भी लगे, रोजेस भी हैं। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कोरिया में मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स तो यूज़ किए ही किए, प्लस मैंने बहुत सारा खाना भी खाया और उसी खाने को मैंने इंडियन फूड से भी कंपेयर किया कि कौन सा कोरियन खाना किस इंडियन फूड के हिसाब से टेस्ट करता है। एंड अगर आपको जानना है कि वो कौन सा खाना है मैंने कब खाया था, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर। जल्दी से क्लिक करो ना, आपको सब पता चल जाएगा।